भारतीय जनता पार्टी जहां कठुआ और उन्नाव कांड पर चौतरफा घिर रही है, तो वहीं कर्नाटक में एक बीजेपी विधायक ने इस आग में घी डाल दिया है। दरअसल अगले महीने राज्य में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इसे लेकर अभी से जोर तोड़ की सियासत हो रही है। कठुआ कांड को जहां मजहब से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं इसी बीच बीजेपी विधायक ने एक सांप्रदायिक बयान देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। बेलागावी से विधायक संजय पाटिल ने आयोजित एक सभा में कहा है कि आगामी 12 मई को होने वाला चुनाव सड़कों और पीने के पानी के बारे में नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में होगा। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं संजय पाटिल हूँ। इसके आगे उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि जो बहुसंख्यक हैं वो हमें वोट देंगे और जो अल्पसंख्यक हैं वो दूसरे धर्म को वोट देंगे। संजय पाटिल ने दो संप्रदायों के बीच की बात कहते हुए लोगों को मजहब के नाम पर वोट कहने की बात कही है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।